में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर जगह बड़े उत्साह से मनाई जाती है, लेकिन इस दिन शराब की दुकानें खुली होने की वजह से कुछ लोग शिवाजी जयंती पर तनाव का माहौल बनाते हैं। अतः छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर सभी शराब की दुकानें बंद कर दी जानी चाहिए, यह मांग दीपक पोहनेकर ने शिवसेना सांसद संजय राउत को एक ज्ञापन सौंपते हुए की। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन नहीं मनाया जा सका है। इस वर्ष कोरोना आंकड़ों में कमी के चलते प्रशासन ने नियमों में ढील दी है। अतः अगले साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई जाएगी, यह बात ज्ञापन के माध्यम से पूर्व नगर प्रमुख दीपक पोहनेकर ने कही। इस अवसर पर चंद्रशेखर श्रीराव, संतोष ठाकुर, प्रतीक बहुगुना, बंटी पांडे, प्रशांत गोलछा आदि शिवसेना पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद थे। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की युति वाली महाविकास आघाड़ी सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखला गई है। यह बात शिवसेना प्रवक्ता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को कही। वे एक दिवसीय दौरे पर नागपुर आई थी। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता से दूर है और इसकी वजह सिर्फ हमारी युति है। महाविकास आघाड़ी सरकार आगे भी इस समन्वय से आगे बढ़ेगी। रही बात महानगरपालिका में चुनाव में तीनों पार्टियों द्वारा मिलकर लड़ने की, तो इसमें अभी समय है। इसका अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठों द्वारा लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर भाजपा को कटघरे में रखा और तीखे तंज कसे। विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे। द कश्मीर फाइल्स को लेकर प्रियंका ने कहा कि आज अचानक भाजपा को कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाई दे रहा है। उस नरसंहार के समय पूरे देश में केवल बाल ठाकरे थे जिन्होंने खुलकर कश्मीरी पंडितों का साथ दिया, उनसे हमदर्दी रखी। तब भाजपा कहा थी, उसने 2014 में वादा किया था कि पंडितों को कश्मीर में वापस बसाएंगे, रोजगार देंगे। दूसरा कार्यकाल जारी है, लेकिन अभी तक कितने पंडितों को बसाया, यह कहते हुए सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर निशाना साधा। AIMIM पिछले कई महीनों से मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र में जैसे निराला सोसाइटी, गौसिया कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, सरताज कॉलोनी, संतोषी माता नगर, औलिया नगर, आदर्श नगर, ताजाबाद शरीफ व अन्य इलाकों में जल समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रही है। AIMIM प्रतिनिधिमंडल ने मनपा के नेहरू नगर जोन में ज्ञापन सौंप कर प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया था, लेकिन फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। इस पूरे क्षेत्र में गटर लाइन चौक होना, गटर लाइन से दूषित जल का रिसाव, गटर लाइन जगह जगह पर क्षतिग्रस्त होना, गटर लाइन से दूषित जल निकालने की वजह से बीमारियों के फैलने की संभावना, कब्रिस्तान की ओर दूषित जल का रिसाव आदि समस्याओं से नागरिक परेशान है। मेंटेनेंस के नाम पर हजारों का बिल वसूला जाता है, मगर फिर भी मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को नहीं दी जा रही है। OCW अधिकारियों की मनमानी भी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। इन समस्याओं से परेशान बड़ी संख्या में नागरिकों ने AIMIM के बैनर तले मोर्चा निकाला और अपना विरोध जताया। इसके पश्चात AIMIM प्रतिनिधिमंडल ने नेहरू नगर जोन के सहायक आयुक्त राउत को समस्या से अवगत कराया और प्रशासन द्वारा इन समस्याओं का जल्द से जल्द हल किया जाए, यह मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। हाल ही में 300 एपिसोड पूरे करने वाला सोनी सब का शो वागले की दुनिया लगभग असल जिंदगी जैसे अपने अफसाने और प्रासंगिक कथानक के कारण दर्शकों का चहेता बना हुआ है। अपने शो को मिले प्यार से बेहद खुश वागले की दुनिया के कलाकारों ने अपने प्रशंसकों से मिलने और उनके साथ खुशनुमा समय बिताने के लिए नागपुर शहर का दौरा किया। सुमित राघवन, राजेश वागले और परिवा प्रणति वंदना वागले की टीम का नागपुर शहर में बड़ी उत्साह और रोमांच से स्वागत किया गया। यह शो RK लक्ष्मण द्वारा 80 के दशक में रचित लोकप्रिय सिचुएशनल कॉमेडी के आधुनिक स्वरूप के तौर पर लॉन्च किया गया है। इसमें अंजन श्रीवास्तव, श्रीनिवास वागले और भारती आचरेकर, राधिका वागले की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही है। आगामी हफ्तों में यह शो कुछ मनोरंजक घटनाएं लेकर आने वाला है जो वागले परिवार को परेशान करेगी और दर्शकों को अपने टेलीविजन स्क्रीन से बांधकर रखेगी। राजेश की भूमिका निभा रहे सुमित राघवन ने कहा, बतौर एक किरदार राजेश मेरे लिए खास है क्योंकि वागले की दुनिया में उसे निभाकर मैंने सबसे खूबसूरत तरीके से रोजाना की जिंदगी की बारीकियों को जाना है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की लिंक जल्द शुरू करने, रेलवे बोर्ड द्वारा लोको पायलट व ट्रेन मैनेजर के लिए ट्रॉली बैग के प्रस्ताव को तत्काल रद्द करने, मालगाड़ी कर्मचारियों को 9 घंटे से अधिक काम नहीं देने और 14 घंटे के भीतर मुख्यालय में कॉल बुकिंग करने रोकने सहित विविध मांगों को लेकर सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के लोको व यातायात शाखा की ओर से DRM कार्यालय के सामने एक दिवसीय आंदोलन किया गया।
आंदोलन का नेतृत्व सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के बीएस टाकसांडे, बंडू रंधई, सनोज रॉय, परितोष कुमार, ओम प्रकाश शर्मा, मनोज कुमार सिंह ने किया। इससे पहले भी उक्त मांगों को लेकर सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की ओर से डीआरएम को ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। यही वजह है कि आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि लोको रनिंग कर्मचारियों की परेशानी दूर की जानी चाहिए। पार्सल स्पेशल ट्रेन में काम करने के लिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बंद करने, रनिंग स्टाफ की पोस्टिंग रोकने, मेमू ट्रेन का काम टीएम से 8 घंटे तक करने, कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्वच्छ व सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था करने, बेड और बेहतर भोजन की व्यवस्था करने आदि मांगे की गई। बेरोजगारी ही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी और भूख इसके साथ जुड़ी समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि युवा नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। इसके लिए प्रत्येक युवा को अपना कौशल और गुणवत्ता की खोज कर उनका परिवर्तन व्यवसाय और उद्योग में करना चाहिए। लेकिन ऐसा करते समय आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं और उत्पाद उत्तम गुणवत्ता से युक्त होने चाहिए, साथ ही उनकी पैकेजिंग उत्कृष्ट होनी चाहिए। यह विचार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फॉर्च्यून फाउंडेशन द्वारा आयोजित यूथ एम्पावरमेंट समिट के उद्घाटन समारोह में व्यक्त किए। अपने मार्गदर्शन में उन्होंने विभिन्न उदाहरणों और नवीन उपक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान की। इससे पहले उन्होंने दीप जलाकर और स्टॉल का रिबन काटकर औपचारिक रूप से समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद अजय संचेती, एएस एग्री एंड एक्वा एलएलपी के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत झाड़े सहित पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी, उद्योगपति अतुल गोयल, राजेश रोकड़े, प्यारे खान सहित स्थानिक नागरिक प्रतिनिधि और समाज के गणमान्य नागरिकों की प्रमुख उपस्थिति रही। फॉर्च्यून फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के संयोजक अनिल सोले ने प्रस्तावना रखी। स्थानीय प्रियदर्शनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक चेतन किशोर टेंबुरकर को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब की ओर से पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। चेतन टेंबुरकर ने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन वेल्डिंग एंड वेल्डेबिलिटी ऑफ एल ऑस्टेंटिक एंड फेरिटिक स्टेनलेस स्टील डिसिमिलर मेंटल जॉइंट्स विषय पर अपना शोध प्रबंध विद्यापीठ में प्रस्तुत किया था। रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के द्वारा सहायक सुरक्षा आयुक्त एसडी देशपांडे के मार्गदर्शन में रेलवे सुरक्षा बल अधिकारियों एवं बल सदस्यों की स्मृति में मोतीबाग रेलवे सुरक्षा बल न्यू बैरक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी एवं बल सदस्य तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया गया। कुल मिलाकर 102 व्यक्तियों ने रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर को जीवन ज्योति ब्लड बैंक द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें प्रमुखता से सहयोग निरीक्षक राजीव कुमार, हेड कांस्टेबल सतीश सिंगले, हेड कांस्टेबल उपेंद्र, हेड कांस्टेबल शक्ति यादव, हेड कांस्टेबल विवेक सेलकर, हेड कांस्टेबल राहुल सिंह, प्रधान आरक्षक संजय कुष्टा, कांस्टेबल संतोष सिंह और कांस्टेबल वसीम खान का सहयोग प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा ऑनलाइन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल के निर्देशन में किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे ने कहा कि आज डिजिटल जमाने में भी एनालॉग फोटोग्राफी जीवित है। तस्वीरें खींचने के लिए कैमरे की तकनीक का ज्ञान और अवलोकन की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। कैमरे की बारीकियों की समझ बढ़ाने के लिए यह कार्यशाला एक अच्छा अवसर है। कैमरे से संबंधित जानकारी देते हुए कार्यशाला के विशिष्ट वक्ता पीटीआई नई दिल्ली के अरुण शर्मा ने कहा कि फोटोग्राफी की बारीकियां सीखने तथा उन्हें व्यवहारिक प्रयोग में लाने से ही फोटोग्राफर को सफलता मिलेगी। फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिसके लिए निरंतर अभ्यास एवं संयम बेहद जरूरी है। कार्यशाला के विशेष वक्ता चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शिशिर कुमार सिंह ने स्पीड, अपर्चर, ISO और प्रकाश से संबंधित तथ्यों को प्रतिभागियों से परिचित कराया। कार्यशाला के 2 तकनीकी सत्रों में प्रश्नोत्तरी सत्र में विशिष्ट वक्ता और विशेष वक्ता ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है।
पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है, यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक किया जाएगा, यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवान ने दी है। स्थानीय वीएमवी महाविद्यालय में हाल ही में स्वर्गीय श्री जयदेव शंकर मणिशंकर ठाकर की स्मृति में अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारी शिक्षा व्यवस्था आत्मनिर्भर भारत निर्माण में पूर्णतः सक्षम है, ये वाद विवाद का विषय था। उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित राजकुमार केवल रामानी, कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर उर्मिला डबीर ने प्रतियोगिता की सफलता हेतु शुभकामनाएं देते हुए अपना मंतव्य रखा। कोरोना काल में शिक्षा ग्रहण करने की समस्या पर उपाय रूप में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था खड़ी की गई। व्यवस्था की आत्मनिर्भरता का ये आंशिक उदाहरण था। भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री ने जो 5 स्तंभ बताए हैं, आर्थिक, संसाधन, व्यवस्था, लोकतंत्र, मांग के परिप्रेक्ष्य में आज की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन समय की आवश्यकता है। इतने प्रासंगिक विषय पर विद्यार्थियों को चिंतन प्रवृत्त करने के लिए आयोजकों का अभिनंदन। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रमुख अतिथि के विचारों का अनुमोदन करते हुए 17 महाविद्यालयों के 34 प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद का कथन आज के युवाओं को, प्राध्यापकों को तथा शिक्षाविदों को ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य ही मनुष्य निर्माण है और ये मनुष्य समाजोपयोगी हो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन मोर भवन में प्रकाश कांबले की पुस्तक सदा तुम्हारे साथ का विमोचन समारोह संपन्न हुआ। सर्वप्रथम सभी अतिथियों ने स्वर्गीय नीलिमा कांबले की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। प्रस्तावना भाषण के दौरान बोलते हुए अविनाश बागड़े ने अविशा प्रकाशन के अर्धशतक की ओर अग्रसर होने की बात करते हुए सभी लेखकों का आभार माना। मंचासीन मुख्य अतिथि श्रीमंत राजे मुधोजी भोसले ने प्रकाश कांबले की कृति को अपनी पत्नी को पुस्तक के रूप में दी गई श्रद्धांजलि को अनुपम निरूपित किया। अध्यक्ष के आसन पर डॉक्टर सागर खादीवाला ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए सदन को भाव विह्वल कर दिया। विशेष अतिथि डॉक्टर आदिला खादीवाला ने स्वर्गीय नीलिमा को अपनी अनन्य सहेली बताते हुए उसके असमय अवसान को अपूर्णीय क्षति बताया। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पूर्व सदस्य अविनाश बागड़े ने प्रकाश कांबले का मनोगत सदन को पढ़ाकर सुनाया। कार्यक्रम का सरस सहज संचालन करते अनिल मालोकर के साथ ही अन्य साहित्य प्रेमियों सत्यन प्रसाद सिंह, रूबी दास, सुनल कालमेघ, पूनम मिश्रा, मीरा जोगलेकर, बंडू कामले, टीकाराम साहू आजाद, रामकृष्ण सहस्त्रबुद्धे ने कामले को दिल से शुभकामनाएं दी। पूनम मिश्रा ने डॉक्टर खादीवाला का सदन से परिचय करवाया। मेट्रो रेल यात्रियों की मांग के अनुरूप तथा यात्रियों की बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए महामेट्रो ने ऑरेंज और एक्वा लाइन पर ट्रेनों की फेरियां बढ़ा दी है। आज से ऑरेंज और एक्वा लाइन पर यात्रियों के लिए अंतिम ट्रेन रात 9:30 बजे उपलब्ध रहेगी। इसके पूर्व ये सेवा रात 9 बजे तक ही उपलब्ध थी। यात्रियों की मांग को मद्देनजर रखते हुए ट्रेन की फेरियां एवं उपलब्धता की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस निर्णय के तहत ऑरेंज और एक्वा दोनों मार्गों पर यात्री सेवा सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। यात्रियों की मांग के अनुसार महामेट्रो ने सुबह 6:30 बजे से ट्रेनों का संचालन शुरू किया था। इन दोनों रूटों पर स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में मॉर्निंग शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को से बड़ी राहत मिली है। कोरोना पर काबू पाने के साथ ही अब शैक्षणिक और अन्य व्यावसायिक कामकाज पहले की तरह नियमित रूप से खुलते जा रहे हैं, अतः शिक्षा और अन्य काम के लिए जाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे मेट्रो लाइन में टिकट वर्ती संस्थानों में पढ़ने वाले या काम करने वाले छात्रों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। हिंदी और मलयालम का भक्ति साहित्य सांस्कृतिक पुनर्पाठ विषय पर बीज वक्तव्य देते हुए केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष मलयालम साहित्य की विदुषी प्रोफेसर संतकमणि अम्मा ने कहा कि पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में भक्ति आंदोलन को तुलनात्मक दृष्टि से परखने की आवश्यकता है। वे श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालडी एवं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। उन्होंने भारतीय भाषाओं में भक्ति साहित्य हिंदी और
मलयालम का विषय संदर्भ विषय पर व्याख्यान दिया। संगोष्ठी के संरक्षक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल और श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय काल्डी केरल के कुलपति प्रोफेसर एम वी नारायण थे। उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर विनोद शाही ने मध्यकालीन नवजागरण और भक्ति विषय पर अपने विचार रखते हुए शंकराचार्य के दर्शन और चिंतन के महत्व को भक्ति की अवधारणा से जोड़कर देखने पर बल दिया। सत्र का स्वागत वक्तव्य श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कालडी केरल के हिंदी विभाग की प्रोफेसर एवं अध्यक्ष तथा संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर के श्रीलता ने दिया। उन्होंने संगोष्ठी के बहाने भक्ति साहित्य के सांस्कृतिक विमर्श और उसके पुनर्पाठ की आवश्यकता प्रतिपादित की। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की ओर से संयुक्त रूप से दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय व ग्लोबल मनी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस सीखो कमाओ और बचाओ ये भी थीम रखी गई है। इस विषय पर मुख्य वक्ता श्री बिंझाणी सिटी कॉलेज नागपुर के प्राचार्य डॉक्टर सुजीत मेत्रे ने छात्राओं को विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन करते समय विभिन्न उदाहरण देकर बचत कैसे करनी चाहिए, LIC इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स, टोल फ्री नंबर कैसे प्राप्त किए जाते हैं, इन सभी मुद्दों पर सरल भाषा में छात्राओं का मार्गदर्शन किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा अनिल कुमार ने प्रमुख वक्ता का स्वागत अपने भाषण में किया। उन्होंने कहा कि छात्राएं शिक्षित होकर वित्तीय शिक्षा जनजागृति कर सकती है। कार्यक्रम का आयोजक संचालन डॉक्टर चेतना पाठक ने किया तथा कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन कर्मचारी सचिव डॉक्टर बबीता थूल ने किया। इस कार्यक्रम में सभी प्राध्यापक और छात्राओं ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया है। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल प्रांत एक के लोकप्रिय एवं सेवाभावी लॉयन डॉक्टर रिपल राणे ने द्वितीय प्रांतपाल पद के लिए हाल ही में नामांकन कमेटी के चेयरपर्सन वर्धा स्थित डॉक्टर विनोद अदलखिया के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके गृह क्लब के पदाधिकारीगण उनके साथ उपस्थित थे। डॉक्टर राणे की नामांकन पत्र दाखिल करने वाली बात कुछ शुभचिंतकों के माध्यम से प्रांत में फैली। परिणाम स्वरूप डॉक्टर राणे जब अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए वर्धा पहुंचे तो उनको समर्थन देने के लिए प्रांत के दूरदराज क्षेत्र से क्लब के कई लॉयन सदस्य उपस्थित थे। ये बात सभी को अचंभित करने वाली थी। दोपहर के तकरीबन 4 बजे जब वे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए डॉक्टर अदलखिया के कार्यालय पहुंचे तब वहां परिसर में मौजूद सभी सदस्यों ने डॉक्टर राणे के समर्थन में नारे लगाने लगे। रिपल राणे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नया विश्वास जगाना है, रिपल राणे को लाना है, इस बार ओनली RR, इस प्रकार के नारों से मानो पूरा परिसर गूंज उठा। दृश्य को देखकर वहां का पूरा माहौल जोश से भर गया था। डॉक्टर राणे ने सभी समर्थकों के इस प्यार के लिए उनका आभार माना। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अवधारणा के अनुरूप एक स्टेशन एक उत्पाद प्रचार कियोस्क और बजट 2022-23 घोषणा में एक प्रमुख कारक मध्य रेल के नागपुर मंडल द्वारा रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र बांस विकास बोर्ड के सहयोग से 15 दिनों की अवधि के लिए शुरू किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उपलब्ध कियोस्क स्थानीय कारगिरों, गैर सरकारी संगठनों और MBDB के तत्वावधान में बांस उत्पादों को बढ़ावा देने वाले कई सामाजिक संगठनों द्वारा विदर्भ क्षेत्र के स्वदेशी बांस द्वारा डिजाइन किए गए कला और शिल्प उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला को बढ़ावा दे रहा है और बेच रहा है। चंद्रपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली जिले के स्थानीय कारीगरों के हाथों प्रचार कियोस्क का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे की उपस्थिति में अपर मंडल रेल प्रबंधक जय सिंह, सीनियर DCM कृष्णनाथ पाटिल, नागपुर डिवीजन के विभिन्न अन्य अधिकारी श्रीनिवास राव, MD MDDB और MDDB के अन्य अधिकारियों के साथ किया गया। यहाँ ये उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मध्य रेल मुख्यालय ने देश के 18 अन्य रेलवे स्टेशनों के साथ साथ पायलट परियोजना पर उद्यम के लिए नामांकित होने वाले मध्य रेल के तहत नागपुर रेलवे स्टेशन को एकमात्र स्टेशन के रूप में नामित किया है। श्री राजपूत करणी सेना के तत्वावधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी के हाथों किया गया। श्री राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष प्रमोद सिंह के नेतृत्व में BCN ग्राउंड से गीतांजलि चौक तक रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में उत्तर भारतीय सभा के विदर्भ अध्यक्ष DV सिंह, शहर अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला, श्री राजपूत करणी सेना के वाड़ी अध्यक्ष सुष्मित सिंह राजपूत, प्रवक्ता प्रवीण सिंह, अखिलेश सिंह, पुष्कर सिंह, कपिल यादव, विपिन सिंह, पार्टी के अध्यक्ष सुमित ठाकुर, सनी सिंह, सुधीर सिंह, प्रतीक सिंह, संदीप सिंह, गौरव सिंह, मुकेश सिंह सह आदि उपस्थित थे। दयानंद आर्य कन्या विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय के सांस्कृतिक सभागृह में विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वर्ल्ड के संयुक्त तत्वावधान में जल संवर्धन के विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस संस्था से जुड़ी फरहत कुरैशी द्वारा विद्यार्थियों में जल बचाओ, जल की उपयोगिता को समझो आदि अनेकानेक बातों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों को समझाकर उनमें पानी की बचत की जागृति को निर्मित किया गया। उनकी सहयोगी नाहिद अंजुम द्वारा जल दिवस पर जल के बचाव हेतु प्रतिज्ञा दिलाई गई और
विद्यार्थियों से ये संकल्प करवाया गया कि कभी भी पानी का दुरुपयोग देखे तो तुरंत संपर्क करके जल बचाने के उपाय बताकर देश की इस विशेष मुहिम में सहयोग दे। विद्यालय की उप प्राचार्य ने छात्राओं को जल ही जीवन है, जल यदि हमें जीवन देता है तो हमें उस जीवनदाता के बचाव हेतु अपना सहयोग देना चाहिए। इस कार्य के लिए छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय में OCW प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की प्रस्तुति करने हेतु विद्यालय की प्राचार्य तेजेंद्र वेणुगोपाल और उप प्राचार्य को संस्था द्वारा मोमेंटो देकर उनके सहयोग की प्रशंसा की गई। स्वर्गीय प्रकाश देशपांडे के स्मृति दिन पर विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान नागपुर की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कुशल संगठकों को 21,000 रुपए शॉल श्रीफल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है। पिछले साल 2021 का स्वर्गीय प्रकाश देशपांडे स्मृति कुशल संगठक पुरस्कार पूर्ति सुपर बाजार, महाराष्ट्र इकोनॉमिक काउंसिल, एग्रोविजन फाउंडेशन, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी और अन्य कई संगठनों के माध्यम से सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए कार्य कर रहे कुशल संगठक रविंद्र बोरटकर को प्रदान किया जा रहा है। 2022 साल का ये पुरस्कार डॉक्टर सागर खादीवाला को प्रदान किया जाएगा। वरिष्ठ कृषि संशोधक डॉक्टर सीडी माई के कर कमलों द्वारा तथा पूर्व महापौर और पूर्व विधायक प्रोफेसर अनिल सोले की प्रमुख उपस्थिति में ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आशीष पातुरकर करेंगे। ये कार्यक्रम आज शाम 5 बजे श्रीमंत बाबूराव धनवटे हॉल राष्ट्रभाषा संकुल शंकर नगर चौक नागपुर में होगा। विदर्भ गौरव प्रतिष्ठान ने सम्मान समारोह में अधिक से अधिक नागरिकों से भाग लेने की अपील की है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।